वेलकम बैक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। मेरा नाम रोहित, आप देख रहे हैं हमारे चैनल रोहितेक ब्लॉग्स। और हमारे पीछे मशीन देख रहे हैं 7086 रखी है, रैप करी हुई। और आज हमारी एक मशीन जा रही है 7105, मतलब नवरात्रि का पावन अच्छे वाले दिन चल रहे हैं। और पिछले लास्ट 15 दिनों में मैंने कोई मशीन सेल नहीं करी, अभी नवरात्रि में हमारी पहली मशीन जा रही है, मतलब क्लाइंट को डील करा है 7105। तो चलो हम आपको दिखाते हैं कि हम कौन सी मशीन बेच रहे हैं, और मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मैंने मशीन कितने की डील करी है, प्राइस भी मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। अगर आपको प्राइस जानना है, हमारे पास ढेर सारी मशीनें और भी रखी हुई हैं 7105 ही सारी। और 7105 का है मतलब होलसेल का काम है अपना, अच्छे तरीके से वाइट स्पॉट करके मैं मशीन सेल करता हूँ। तो अगर आपको 7105 मशीन चाहिए, रिक्वायरमेंट है, 100 कॉपी स्पीड की मशीन की रिक्वायरमेंट है, तो ठीक है, आप आ जाइए हमारे पास। एड्रेस भी मैं बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं भी डाल दूंगा, और कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा मैं, मेरा और टीम मेंबर्स का भी, जो आपको बात करके आपको अपने एड्रेस पे ले सकते हैं। तो चलो मैं मशीन का टूर कराता हूँ कि कैसी मशीन में डील कर रहा हूँ आज की डेट में, जब मशीन नहीं मिल रही है और इलेक्शन का टाइम पीरियड है। इलेक्शन के टाइम पीरियड में 7105 की बहुत डिमांड होती है, मतलब हॉट केक हो जाता है आइटम। तो अभी मैं मशीन आपको दिखाता हूँ कि मैं मशीन कैसी सेल कर रहा हूँ अपने क्लाइंट को, क्वालिटी क्या होगी, प्रिंट क्वालिटी क्या होगी, कैसा है, मैं सब आपको वीडियो पर दिखाता हूँ। तो चलो वीडियो चेंज करते हैं और अभी अपनी मशीन पर चलते हैं। तो दोस्तों ये मशीन है हमारी, ये पहले मैंने आपको डिस्प्ले दिखाया मशीन का, और मैं आपको इसकी रीडिंग चेक कराता हूँ कि कितनी रीडिंग, कितनी चली हुई मशीन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मशीन चली हुई है 40,80,312 कॉपी चली हुई है इससे, जो कि हमारा मीटर रीडिंग शो कर रहा है। बट आप मशीन की कंडीशन चेक करिए, ये हमारा मशीन का IDF है, देख पा रहे होंगे, मैं खड़ा करके दिखाता हूँ इसको अच्छे से। अभी देखिए कि जो मशीन का IDF है, बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल हमको नहीं लग रहा है कि ज़्यादा कॉपी निकली हुई है इससे। ये नीचे की कंडीशन टॉप क्लास की, और ये इसका पर्दा, ये पर्दा बताता है कि कितना कॉपी निकली हुई मशीन से। पर्दा कंडीशन चेक कर लीजिए, बिल्कुल फ्रेश, मतलब मशीन से फोटोकॉपी ना के बराबर हुई है। अभी ये हमारे पास है डिस्प्ले, हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि इसका प्रिंट, पहले कॉन्फ़िगरेशन पेज निकाल के दिखाएंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे आपसे। तभी कॉन्फ़िगरेशन पेज निकलेगा इससे, ये निकला। अब ये हम आपको दिखाते हैं पहले, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। अभी चेक कर लीजिए कि देखिए, IR 7095 मॉडल है, 7095 कॉपी की स्पीड है। 105 कॉपी स्पीड करने के लिए इसमें खाली काउंटर सीरियल चेंज करना पड़ेगा, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वो नहीं थी। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो भी है, ओरिजिनल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो आपकी, आपको सामने प्रिंट दिख रहा है, आप प्रिंट देख लीजिए सामने, एक भी स्पॉट आपको हमारे इस प्रिंट में नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको वाइट स्पॉट में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब प्रिंट क्वालिटी ए क्लास की, अच्छी कंडीशन की। और अब चलो मैं मशीन कंडीशन दिखाता हूँ। मशीन की कंडीशन हमें मानते हैं कि हम, ये फर्स्ट RC मशीन नहीं है, ये यूज्ड मशीन है और इंडियन RC मशीन है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि ये फर्स्ट RC मशीन है, लेकिन जो फर्स्ट RC मशीन 3 लाख रुपए की मिल रही है, उससे हम बहुत कम बजट में दे रहे हैं और बिल्कुल ओके करके दे रहे हैं। हम अगर इस कवर को नया डाल देंगे तो आप ये कह नहीं पाएंगे कि मशीन यूज्ड है, ठीक है। बट ये कवर गंदा है तो ठीक है, थोड़ा काम करता है, चूना लग गया इसमें, तो उसको मेंशन ना करिएगा, परफॉर्मेंस मेंशन करिएगा। तो ये बिल्कुल, आप देखिए, बिल्कुल सारी चीज़ें चमकती हुई लगी हैं। अब ये चेक करिए, रोलर, दोनों हीटर रोलर, प्रेशर रोलर, मशीन के इंटरनल कंडीशन है, फिक्सिंग यूनिट हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ यूनिट नंबर टू, ये डुप्लेक्स है, देख पा रहे होंगे, बिल्कुल समय चमकता हुआ। और परफॉर्मेंस वाइज है कि आप इससे 1000 कॉपी का काउंटर निकालने लगाएंगे तो 1000 कॉपी बिना जाम, पेपर जाम के निकलेगी इसमें, ठीक है। इसे पेज लगा देना बेटा, ठीक है, इसमें पेज लगाओ। और मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, थोड़ा लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ रही है, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश, साफ़ सुथरा, एक एक चीज़ की फुल सर्विस करके मशीन हम देते हैं। हमारे पास जो भी, किसी भी अच्छी कंडीशन की मशीन हो, अच्छी कंडीशन की मशीन नहीं है, जो भी मशीन आती है उसको हम फुल सर्विस करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप देख पाइए, बिल्कुल साफ़ सुथरी मशीन है, सारे कवर बिल्कुल अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, और 100% खजूर वगैरह देख लीजिए, बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। तो सीन क्या है कि बिल्कुल अच्छे तरीके कंडीशन की मशीन बना के देते हैं। ये बैक से, बैक की कंडीशन देख लीजिए आप, पूरी मशीन का पोस्चर चेक कर लीजिए, सब कुछ ओके है, मशीन में कोई कमी कहीं से भी नहीं है। तो अगर आपको नीड है 7105 की, अगर आपको नीड है एडवांस मशीन की, देखिए एडवांस मशीन मेरे पास 6075 रखी हुई है, तो 6075 का प्रिंट कहाँ रखा हुआ है, इधर दिखाना है कोई प्रिंट, 6075 का प्रिंट एक दिखाना। ये देखिए मेरे पास 6075 मशीन रखी हुई है, और ये भी बिल्कुल जैसे ये मशीन रखी है, साफ़ सुथरी, ओके।
वैसे ये भी मशीन है साफ़ सुथरी ओके, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल, अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये आप इसका खाली एक ही हिस्सा देख के बता सकते हैं कि मशीन की कंडीशन कैसी है, बिल्कुल फिट। जब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास एडवांस की जो मशीन है, ये इसका कंडीशन कैसी है, भाई ज़रा ये चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल सारा बिल्कुल फ्रेश चमकता हुआ सब कुछ। ये नहीं खाली एक चीज़, बिल्कुल आरसी का टक्कर की मशीन है, और ये ऐसी टक्कर की मशीन ना 270,000 की मिल रही है दिल्ली में। एडवांस मशीन जो मिल रही है ना 270,000 की, इसमें अवेलेबल है, जिसके पास ये अवेलेबल है वो 60-75 ओरिजिनल 60-75 है। हम आपको इसकी फिक्सिंग दिखाएं सामने से, बिल्कुल देखिए सब कुछ अच्छा है। सामने वाला कवर नहीं लगा, पूरी मशीन ओके नहीं है 100%, अभी इसमें थोड़ा कमी है, वो उनको दूर करनी है। एक मशीन हमारे पास है 71.05 रखी हुई है, एक मशीन हमारे पास 70-86 रखी हुई है जो बिल्कुल चेक है, ओके 70-86 बिल्कुल ओके मशीन रखी हुई है। इसके ऊपर सामान रखा है भाई, इसको जरा इसके अंदर डाल देना। ATF बिल्कुल ओके मशीन रखी है। 71.05 एक वो जो पुणे से मशीन आई थी टूटी हुई थी, पैनल टूटा हुआ था, उसको ओके करना है अभी। एक मशीन वो, दो और तीन मशीन एडवांस में 71.05 में रखी हैं, एक मशीन रखी है, एक एडवांस ये हो गई, एक एडवांस ये हो गई सामने रखी है, और एक एडवांस वो रखी है पीछे उधर, दिख रही होगी आपको जिसके ऊपर सामान रखा है वाली मशीन, ये वाली ये एडवांस ही है, ठीक है। और 71.05 जो रखी पीछे, तो 4-5 मशीन एडवांस हैं, तीन मशीनें एडवांस हैं, 4-5 मशीनें 71.05 हैं। तो मशीनों का कोई कमी नहीं है, आप हिंदुस्तान में कहीं से भी हो, अगर आप हमसे डील करते हो तो हम आपके लिए मशीन डिलीवर कर देंगे, पहुंचा देंगे। आपको मशीन का साउंड सुनाते हैं एक बार, एक कॉपी आगे पीछे लगा के, कि मशीन से जो रिजल्ट है वो कैसा है। मशीन का साउंड आपको सुनाते हैं, अपनी माइक आपकी तरफ टर्न कर देंगे ताकि जो रियल साउंड है वो आए वीडियो में, वो साउंड आए। तो पहले तो मशीन साउंड चेक करते हैं इसका। बहुत धीमे आ रही होगी क्योंकि मैं माइक से थोड़ा दूर हूँ। तीन से 4 दिन का टाइम लगता है, ये आगे पीछे मशीनों के इतनी पता निकल आ रहा है। ये मैंने स्कैन करा था, जो ATF के निशान आएंगे वो आए हैं, पेपर के निशान आए थे। अब मैं आपको ज़रा कुछ 10-20-40-50 कॉपी चला के चेक कराता हूँ कि कंडीशन कैसी है। ये देखिए 50 कॉपी का काउंटर लगाया हुआ मशीन में, यहाँ पे काउंटर चेक करिए, रिजल्ट चेक करिए कैसा है इसका, मशीन का रिजल्ट कैसा है। अब मशीन का रिजल्ट चेक कर लें, देखिए 50 कॉपी का काउंटर लगाया था मशीन में, और कॉपी की निकलने की स्पीड देखिए 100 कॉपी स्पीड के हिसाब से मशीन से कॉपी निकल रही है। मशीन में पेपर ख़त्म हो गया, एरर आई है, मशीन में पेपर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हम ये पेपर लगा देते हैं, एक बार ये पेपर डाल दीजिए, यूज पेपर ही लगा देते हैं इसमें मशीन में। और अभी मैं इसको क्लाइंट के लिए डिलीवर करूँगा, पूरा वीडियो मैं आज आपको शूट करके दिखाऊँगा कि कहाँ पर लगेगी, लखनऊ में, लखनऊ की किस जगह पर लगेगी, और मैं डाले में लोड करके बाद कुछ छोड़ो छोड़ो हो जाएगा। लोड पेपर का साइन आया था जो कि अभी अपने आप कंटिन्यू हो जाएगी। 37 कॉपीज निकली थी, अब देखिए मतलब ये यूज पेपर निकल रहे हैं मशीन से, एक बार चल चुके हैं, दूसरी बार निकल रहे हैं। मशीन का साउंड आपने सुना होगा, मैं दोबारा से आपको सुनाता हूँ मशीन का साउंड। ये 50 कॉपी काउंटर, फिफ्टी कॉपी का काउंटर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको A4R में, अगर आप बोलेंगे तो A4R में एक दो कॉपी निकाल के चेक कराता हूँ कि A4R में जब मतलब 95 कॉपी वैसे निकलती है, और जब ऐसे निकालेंगे तो थोड़ा कॉपी स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा, बट मैं चेक कर ले रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये 5,000 कॉपी का काउंटर लगाया भैया ने, लेकिन 5,000 कॉपी का पेपर ही नहीं है मशीन में। कोई नहीं, जितना होगा उतना निकलेगा, बाकी लोड पेपर दिखाएगा। तो आप देखिए
और मशीन का परफॉर्मेंस चेक करिए कि अगर आपके पास बुक आती है, कोई बुक प्रिंटिंग करते हैं तो बुक प्रिंटिंग में आपको A4 में प्रिंट निकालना पड़ेगा जो बुक स्कैन करके प्रिंट करते हैं, तो पूरा हम आपको चेक कराते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है मेरे हिसाब से, तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। देखिए पेपर लोड पेपर बता रहा है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, हमको इसमें और कुछ नहीं चेक करना, जो भी चेक करेंगे क्लाइंट के ऑफिस में जाके चेक करेंगे। भैया इसको पैक कर दो, अब इसमें रैप कर दो इसको, सर्वेश भैया आके रैप कराओ इसको, रैप करा दो आके मशीन, अभी हम इसको रैप करा रहे हैं मशीन को, बाहर रखो इसके ऊपर रैप करो, रैप करो इसके ऊपर, रैप कर रहे हैं अभी, और अभी इसको डाला बुलाएंगे, गाड़ी बुलाएंगे रैपिडो से पोर्टर से, और इसको लेके चलेंगे क्लाइंट के पास, आज ही डिलीवर करनी है, जहाँ पे लगानी वहाँ पे रात में मतलब थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, रात में ट्रैफिक कम रहती है, दिन में थोड़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। भैया सारे पेपर निकाल देना, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर से सारे चेक कर लिए, इसमें पेपर तो नहीं है, ठीक। अब इसको पैक कर लो, आप लग हटा दो, ठीक है मशीन बंद हो गई। अब भैया रैपिंग रोल लो, इधर रखा है, सारे केबल साफ़ कर दिए ना, इधर आओ, रैपिंग रोल रखा है, इसको उठाओ भैया, रैप कराओ इसको, सर्वेस पूरा रैप कराओ, मशीन रैप करा रहे हैं और क्लाइंट के पास डिलीवर करेंगे, रैपिडो बुलाएंगे, अभी लोड करेंगे गाड़ी में और जहाँ पे इंस्टॉल करनी है वहाँ पे लेके चलेंगे, आपको फुल वीडियो पूरा वीडियो दिखाएंगे, ताकि थोड़ी जो विश्वसनीयता है वो बरकरार होनी चाहिए। ये हमारे जानते होंगे, ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, कितना साल एक्सपीरियंस है भाई आपको? 18 साल का एक्सपीरियंस है इनको फोटोकॉपी मशीनें बनाने का। ये जब छोटी मशीनें एनालॉग मशीनें आती थी ना, उस टाइम से, और यूपी के, हमारे उत्तर प्रदेश के, मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छे इंजीनियर हैं यूपी के, मतलब मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, विजय भाई, विजय विष्ट सर, ये उनके सबसे प्रिय परम चेले हैं, मतलब इनसे अच्छा उन थोड़ा के बढ़ाओ। ये मशीन को रैप करा रहे हैं, मशीन को पूरा रैप करा रहे हैं, अब इसकी आवाज़, मशीन पूरी रैप हो जाएगी, देख पा रहे होंगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन की मशीन है। इसको रैप करके अभी क्लाइंट के पास ले जानी है, मतलब अभी तो बोले अभी रात में ही डिलीवर करनी, क्योंकि दिन में बहुत ट्रैफिक रहता है, वहाँ पे मशीन उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ से एक मशीन वापस भी लानी है, तो चलो लेके चलते हैं अभी। हमारे इंजीनियर साहब थोड़ा बिजी हैं, किसी से फोन पर लगे हुए हैं, ये देखिए, एक बार मैं दोबारा से अपना, अगर आप हमारे वीडियो में लेट में आए तो आपको अपना स्टॉक अपडेट करा दूं, 60-75 एडवांस में रखी है, 60-75 एडवांस में रखी है, 71-05 रेडी करने के लिए पूरी मशीन ओपन कर दी गई, पूरी मशीन खोली गई है, इसको रेडी करना है, मतलब ये देखो सारा सामान कस्टम में भर के रखा गया है कि यहाँ पे जगह नहीं थी। अभी मैं आपको दिखाऊँ, ये कल से पूरी तरीके से इस पर काम स्टार्ट करा जाएगा, सारा सामान इसको खुला हुआ रखा है, और छोटी मशीनें भी हैं हमारे पास, छोटी मशीनें मैंने आपको नहीं दिखाई, छोटी मशीनें भी देख पा रहे हो, एक 50-75 रखी है, एक 28-70 रखी है, 32-35, 32-35, 32-35, 32-45, 40-35, 35-30, 71-05 और 25-35, फिर 71-05 और 50-75 एडवांस, और एक कलर भी रखी है। इतना स्टॉक हमारे पास आज की डेट में मेंटेन है, अगर आपको किसी भी प्रकार की मशीन की रिक्वायरमेंट है, 70-86 मेरे पास ओके मशीन रखी है, पैक करके रखा हुआ 70-86 को, इसलिए ये ओके है मशीन, मतलब सब कुछ चेक करके रखा हुआ है इसको। ये मशीन हमारी रैप हो गई, बस फिर भैया खोलना भी है वहाँ चल के, अच्छे से पैक करो भाई, अच्छे से
यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हाँ यहाँ से मोड़ो, यहाँ से ले जाओ, ऐसे ले जाओ, बस ले जाओ ऊपर। चलो भैया मशीन पैक हो गई, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है तो इग्नोर मत करना। तो थोड़ा लगाने में गाड़ी यहाँ पे थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उधर से ऊंचाई है, उधर से फ्लैट है, तो लगाने में गाड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई नहीं, बट लेकिन लगा देंगे अंकल, हमको भरोसा है इनके ऊपर, लगा देंगे। काट के लगाने में टाइम लगे तब तक। तो भैया मशीन जा रही है और हम लोग इसको ला देंगे, ठीक है? भैया बहुत मेहनत लगी, लग गई मशीन हमारे। तो भैया हमारी गाड़ी लग रही है, मशीन इंस्टॉल होगी यहाँ पे। अच्छा मशीन गाड़ी लग रही है, अभी मशीन उतारते हुए दिखाएंगे। अरे पीछे देखते हैं। हो गया मशीन।